अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त, आपका अज़ीज़ हकीम नदीम रज़ा नाज़रीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बख़ैर व आफियत होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से खूब खूब कामयाबी और कामरानी आप हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा निहायत ही आसान नुस्खा जिक्र करने वाला हूँ जिसका आपको बनाना भी आसान है और जो आपकी मर्दाना टाइमिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, वीर्य को बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा करेगा, धार की शिकायत को, चिपचिपे पानी आने की शिकायत को हमेशा हमेशा के लिए दूर करके ताकतवर और तवाना मर्द इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बन जाएंगे। और अगर इस नुस्खे को वो महिलाएं भी इस्तेमाल करें जिनको लिकोरिया की शिकायत है, जिनके वजाइना के अंदर इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ उनको निकलता है, अगर वो महिलाएं भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से उनके लिकोरिया की शिकायत भी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है, इसको आप बनाना सीख लें। कैसे आपने तैयार करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वही सारी बातें कर ली जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर रोक कर एक बात कहूँ, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि नदीम रज़ा, तू तो इस लायक नहीं था कि ज़मीन की पस्ती से निकलकर न जाने कब का कब तू ओझे सुरैया पर परवान चढ़ गया, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो भाइयों, अल्लाह ने मेरे को बहुत बहुत सराहा कि आप लोगों का मुझे प्यार मिला, आप लोगों की बेपनाह मुझे मोहब्बतें मिली और मोहब्बतें मिलती गईं, आप मुझे फॉलो करते गए, आप मुझे सब्सक्राइब करते गए, तो मैं ज़मीन की पस्तियों से निकलकर आज ओझे सुरैया में परवान कर रहा हूँ। ये सब आप लोगों की मोहब्बतें और मेरे खुदा अल्लाह अज़ा वजल का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा, वरना अगर वो चाहता तो ये खिदमत किसी और के ज़रिए मेरे अलावा किसी और से भी ले सकता था, लेकिन ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि खिदमत खल्क करने के लिए अल्लाह ने मुझे आप लोगों के लिए सपुर्द किया। तो चलिए बहुत जल्द बात कर लेते हैं। नुस्खा आपने इतना कीमती राज, ये जो नुस्खा है आपने कैसे तैयार करना है, वही सारी बातें कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको लेना है 57 50 ग्राम, दूसरी चीज़ आपको लेनी है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, तीसरी चीज़ आपको लेनी है खरेटी की जड़, यानी अतिबला की जड़ भी इसको बोलते हैं, जो हिंदुस्तान के अमूमन जंगलात में पाई जाती है, पंसारी के यहाँ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप खरेटी की जड़ को जंगल से अपने करीब सड़कों के तालाबों के किनारे से आप हासिल कर लें तो ये बेहतर रहेगा। ये अच्छी क्वालिटी की खरेटी की जड़ आपको मैसर हो जाएगी, जो पंसारी के यहाँ आपको नहीं मिलेगी और बेहतरीन कारगर नुस्खा आपका बन जाएगा। तो 50 ग्राम आपने खरेटी की जड़ लेनी है। इन सबों को आप कूटें, पीसें, बारीक कर लें, महीन पाउडर आप इसका तैयार कर लें और फिर इसके अंदर से आपने रोज़ाना 3 ग्राम सुबह नाश्ता करने से 1 घंटा पहले और 3 ग्राम शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद या 1 घंटा पहले गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपकी मर्दाना ताकत में 4 चांद लग जाएंगे। ये बहुत कीमती राज है जो मर्दों की और औरतों की पुश्त को ताकतवर और तवाना बनाने के लिए बहुत ही कीमती नुस्खा है। आप इसका इस्तेमाल करें, मुकम्मल तौर पर फ़ायदे के लिए आप इसका इस्तेमाल कम से कम 2 महीना करके ताकतवर और तवाना मर्द बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और ज़रूरतमंद हजरात तक इस रमज़ान के महीने में इस नुस्खे को आप इतना शेयर करें ताकि परेशान हालों का मेरे और आपके ज़रिए भला हो जाए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं उम्दा नुस्खे के साथ, बेहतरीन जानकारी के साथ। आप मेरा बराबर सपोर्ट करते रहें क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बे इंतहा ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।